हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभिपीडिया। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी, कंफर्टेबली चल रही होगी। तो मेरा नाम है केतन गर्ग, ठीक है। और अभिपीडिया पे आप सब जानते हैं कि हम एक इनिशिएटिव जो है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ आपके 20 सेकेंड लूंगा, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं खाऊंगा आपके। हमने अभिपीडिया यूट्यूब चैनल पर एक इनिशिएटिव शुरू किया है जिसपे हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको डेली 3 से 4 वीडियोज़ प्रोवाइड कराएं, ठीक है। इसके लिए आपके एक प्रॉपर शेड्यूल दिया गया है जो आपका यूट्यूब पर ही अवेलेबल है। यूट्यूब पर अगर आप हमारा चैनल खोलेंगे तो वहां पर एक कम्युनिटी करके आपको एक सेक्शन मिलता है, ठीक है। आप इस सेक्शन पर जाएंगे तो आपको एक प्रॉपर शेड्यूल मिलेगा। ये शेड्यूल वीक टू वीक रिवाइज होता है। अभी जो आपका करंटली शेड्यूल डला हुआ है वो 16 to 22 दिसंबर का डला हुआ है, ठीक है। ये शेड्यूल हर हफ्ते रिवाइज होता है। तो रेगुलरली आपको YouTube के चैनल पर जाकर कम्युनिटी पोस्ट में हमारा वो शेड्यूल जो है चेक करना है, ताकि आपके अपडेट्स जो है वो मिस ना हो। इसमें हमने ऑलमोस्ट आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है उनको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की कोशिश की है, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, ठीक है, चाहे वो आपका इकोनॉमी हो, IR हो, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी भी हम जल्दी उसमें सेक्शन ऐड कर देंगे, ठीक है। करंट अफेयर्स उसमें इंपॉर्टेंट जो है कवर किए जाएंगे। तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज जो है आपको प्रोवाइड करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। और ये जो टॉपिक्स होंगे, ये जो वीडियोस होंगे, ये आपका बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेंगी। ऐसा नहीं होगा कि 2 घंटे या 3 घंटे की ये वीडियोस होंगी। इनमें सिंगल सिंगल टॉपिक्स हम लोग उठाएंगे जो क्रिस्प टॉपिक्स होंगे, जो आपके अराउंड 5 to 10 मिनट्स लेंगे। और इन 5 से 10 मिनट में ये वीडियो सिर्फ आपको ना ही सिर्फ प्री में नहीं हेल्प करेगी, ये आपके प्री प्लस मेंस पर्सपेक्टिव से वीडियोस जो है हम क्रिएट कर रहे हैं, आपको प्री में भी काम आएंगी और आपको मेंस में भी ये वीडियोस जो है काम आएंगी, ठीक है। तो ये आप जरूर इस चीज को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियोस के वो रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस ये आपके लिए होने वाली हैं, आपकी प्रिपरेशन के लिए, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियोस हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, बस सीधा सीधा चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहां पर कराऊंगा इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। यहां आपको हमारी एक प्लेलिस्ट मिलेगी, न्यू इंडिया एंड द वर्ल्ड, ठीक है। उसमें हम IR रिलेटेड जो एस्पेक्ट्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। प्रीवियसली हमने देखा जो आपका इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो लिस्टिंग को लेकर, टेररिस्ट की लिस्टिंग को लेकर, वो वीडियो मैंने अभी तक आपको प्रोवाइड कराया है। आज जो हमारा टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो होगा 1, 2, 3 एग्रीमेंट, ठीक है। तो कोई जानता है 1, 2, 3 एग्रीमेंट क्या होता है? तो बेसिकली ये जो टॉपिक है ये सब हेडिंग के अंदर आता है न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की। जब हम न्यूक्लियर डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम कुछ टर्म्स को और कुछ चीजों को अच्छे से समझ लें, ताकि जब हमें प्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कोई क्वेश्चन पूछे UPSC या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कहीं पर कोई रेफरेंस देना हो, तो हमारे माइंड में एक पिक्चर क्लियर होनी चाहिए। इसी वजह से मैं आपके साथ अगली 3-4 वीडियोस जो आपको मिलेंगी उसमें एक एक करके न्यूक्लियर डिप्लोमेसी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, और याद रखिएगा ये जो वीडियोस बन रही है ये आपके जनरल स्टडीज पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये मत समझना कि हम यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस या आपका ऑप्शनल यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। हम इनको बिल्कुल क्रिस्प रखेंगे, जितना आपको आपके जनरल स्टडीज के लिए इंपॉर्टेंट है सिर्फ उतना ही यहाँ पर जो है डिस्कस करने की कोशिश की जाएगी। तो आज का टॉपिक रहेगा 1, 2, 3 एग्रीमेंट, जो आपका न्यूक्लियर डिप्लोमेसी के अंदर आता है। तो ये 1, 2, 3 एग्रीमेंट है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं बिल्कुल क्रिस्पली, और कैसे इसको प्री में यूज करा जा सकता है और कैसे इसको मेंस में यूज किया जा सकता है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा। तो 1, 2, 3 एग्रीमेंट सबसे पहले है क्या, हमें पता होना चाहिए कि 1, 2, 3 एग्रीमेंट है क्या। जैसे हमारे यहां पर एक्ट होते हैं, कोई भी एक्ट आप ले लीजिए, उस IPC आप ले लीजिए, ठीक है, इंडियन पेनल कोड है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं। वैसे US में जो एक्ट्स होते हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस को कई बार एग्रीमेंट्स बोल दिया जाता है। तो आपका यूनाइटेड स्टेट्स में एक एक्ट है यूनाइटेड स्टेट्स का, जिसका नाम है एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954। इस एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954 में एक सेक्शन है जिसका नाम है सेक्शन 123, जो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, ठीक है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ही जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो
बाकी की कंट्रीज के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स में डील करती है, ठीक है। न्यूक्लियर कॉमर्स से क्या मतलब हो गया हमारा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, न्यूक्लियर फ्यूल का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, यानी कि जो भी न्यूक्लियर प्रोडक्ट्स रिलेटेड है, चाहे फिर वो आपका सिविल हो, सिविल न्यूक्लियर प्रोग्राम हो या डिफेंस न्यूक्लियर प्रोग्राम हो, दोनों ही इसमें कवर होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली फंडा क्या है, 1-2-3 एग्रीमेंट कुछ और नहीं है, ये आपका एक यूनाइटेड स्टेट्स का एक्ट है जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1954, और ये उस एक्ट का एक सेक्शन है। क्लियर हो गई इतनी बात, इतनी बात में आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट, इंडिया के साथ यूएस ने पहले ये एग्रीमेंट कब साइन किया, इंडिया के साथ यूएस ने पहले ये एग्रीमेंट साइन किया था 1963 में, ठीक है। और ये किस लिए साइन किया गया था, आपका तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए ये वाला एग्रीमेंट यूएस ने इंडिया के साथ साइन किया था, ठीक है। 1-2-3 एग्रीमेंट बेसिकली जो कॉमर्स है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो कॉमर्स है डिफरेंट कंट्रीज के साथ, उसके लिए है। अगर किसी भी कंट्री के साथ यूनाइटेड स्टेट्स न्यूक्लियर रिलेटेड कॉमर्स करना चाहती है, या न्यूक्लियर कॉमर्स, अगर आप यहां पर टर्म यूज करें न्यूक्लियर कॉमर्स, अगर न्यूक्लियर कॉमर्स किसी के साथ भी करना चाहती है, तो यूनाइटेड स्टेट्स में जो यूनाइटेड स्टेट्स की पार्लियामेंट है या यूनाइटेड स्टेट्स का जो सेनेट है, उसको 1-2-3 एग्रीमेंट के जरिए उस कंट्री को अप्रूवल देना पड़ेगा, तभी यूनाइटेड स्टेट्स उस कंट्री के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स कर सकती है, यह इस एग्रीमेंट में लिखा है। और इंडिया के साथ पहले 1963 में किया गया तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के लिए। अब यहां पर आपके लिए जरूरी क्या है कि आपको पता होना चाहिए तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन के बारे में आपको सारे फैक्ट्स पता होने चाहिए, यह कौन सी स्टेट में है, ठीक है, किसने डेवलप किया, क्या इसका बैकग्राउंड है, सब आपको क्लियर होना चाहिए। और यह आपके लिए होमवर्क है, जब आप ये वीडियो देखें उसके बाद आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करें और कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स में पोस्ट कर सकते हैं, फिर जो मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी इंटरनेशनल रिलेशंस की, उसमें मैं इसको डिस्कस कर लूंगा, आपको बता दूंगा, ठीक है। उसके बाद तो यूएस ने, ये तो हो गई तारापुर की बात, उसके बाद आप सब जानते हैं कि हमें 2008 में 2006 में वेवर मिला, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स से। वो वेवर किससे रिलेटेड था, वो वेवर भी न्यूक्लियर कॉमर्स से रिलेटेड था, ठीक है। तो 2006 में एक हाइड एक्ट आया जिसके तहत इंडिया को ये न्यूक्लियर वेवर प्रोवाइड किया गया, HYDE एक्ट 2006। अब ये भी आपको टर्म क्लियर होनी चाहिए कि ये वाला एक्ट जो है ये कौन सी कंट्री का है, ये भी यूनाइटेड स्टेट्स का है, ये पास इसीलिए किया गया था, और इस एक्ट के थ्रू ही 1-2-3 जो एग्रीमेंट है उसमें अमेंडमेंट की गई थी, बिकॉज यूएस में एक लॉ है कि यूएस न्यूक्लियर कॉमर्स जिस कंट्री ने एनपीटी ट्रीटी नहीं साइन की है उसके साथ न्यूक्लियर कॉमर्स नहीं करता, ठीक है। तो इंडिया ने तो भैया एनपीटी ट्रीटी साइन नहीं की है, क्योंकि अपने हम तो बोलते हैं कि भाई हम तो एनपीटी ट्रीटी नहीं साइन करेंगे क्योंकि वो हमारे अकॉर्डिंग डिस्क्रिमिनेटरी है, तो हम वो नहीं साइन करेंगे। तो यूएस ने अपने लॉ को अमेंड किया इंडिया के लिए स्पेशली, क्योंकि इंडिया के साथ हम वो यूएस न्यूक्लियर कॉमर्स करना चाहता था, इसीलिए अपना उन्होंने एक्ट को अमेंड किया ताकि वो इंडिया के साथ न्यूक्लियर कॉमर्स कर सके, ठीक है। ये यहां पर क्लियर से इसका फंडा है। तो अब आपको इस इंफॉर्मेशन को मेंस में आप कैसे यूज कर सकते हो, देखिए न्यूक्लियर डिप्लोमेसी या न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड पॉइंट्स आपके न्यूज में रहते ही रहते हैं, ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड, और ये मल्टीडिसिप्लिनरी है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपसे आईआर के सेक्शन में पूछा जाएगा, आपके लिए न्यूक्लियर एनर्जी और न्यूक्लियर फ्यूल या न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो चीजें हैं वो आपके लिए मल्टीपल टॉपिक्स में यूज होती हैं। नंबर वन, अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूज होती है। नंबर टू, एनवायरमेंटल कंसर्न्स के व्यू से ये यूज होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि इंडिया ने पेरिस एग्रीमेंट में कहा कि जो हमारे कॉन्ट्रीब्यूशन है कि हम 40% अपना कार्बन एमिशन कम कर देंगे, तो अगर 40% कार्बन एमिशन कम करना है तो हमें क्लीन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, और क्लीन एनर्जी के लिए न्यूक्लियर एनर्जी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, ठीक है। तो एनवायरमेंटल कंसर्न्स यहां पर आ गए। तीसरा, आपका जो इंटरनेशनल रिलेशंस है वो तो यहां पर कवर हो ही रहा है,
तो देख रहे हैं आप मल्टीपल जगहों पे आप इसको जो है यूज कर सकते हैं ऐसे पॉइंट्स को। तो कहीं पर अगर आपसे आंसर आ जाए कि इंडिया यूएस रिलेशंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो अगर आप प्रेफरेंस दे देंगे 1-2-3 एग्रीमेंट के बारे में, उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, बस उसके बारे में अगर आपने जिक्र भी कर दिया अपने जीएस के पेपर में, तो एग्जामिनर को यह पता चल जाएगा कि आप वेल लर्न्ड हो, ठीक है, आपको पता है चीजों के बारे में, ठीक है। तो इसी वजह से ये मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि 1-2-3 एग्रीमेंट क्या है और क्या सब उसमें फंडा है। अब प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा के समझाऊंगा। अब यहां पर आपके सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट द 1-2-3 एग्रीमेंट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट 1-2-3 एग्रीमेंट से रिलेटेड नहीं है। पहली स्टेटमेंट, इट इज एन एग्रीमेंट कंसर्निंग न्यूक्लियर ट्रेड, क्या ये 123 एग्रीमेंट न्यूक्लियर ट्रेड से रिलेटेड है। ऑप्शन टू, इट इज अ एग्रीमेंट साइंड बाय रशिया विद अदर कंट्रीज, रशिया इसको दूसरे देशों के साथ साइन करता है। नंबर थ्री, इंडिया हैज साइन नो सच एग्रीमेंट, इंडिया ने ऐसा कोई एग्रीमेंट अभी तक साइन नहीं किया। तो क्या आंसर होगा इसका, देखिए पहला जो है जैसे कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया, पहला इसका स्टेटमेंट न्यूक्लियर ट्रेड, ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। दूसरा, क्या रशिया है ये, नहीं, हमने देखा ये कौन सी कंट्री है, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएस ये एग्रीमेंट साइन करता है जो यूएस का 1954 वाला एक्ट है उसके अकॉर्डिंगली, और इंडिया ने क्या ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं साइन किया, ये भी गलत हो गया क्योंकि इंडिया ने ऐसा एग्रीमेंट पहले 1963 में साइन किया और फिर 2006 में भी हमने ये साइन किया, ठीक है। तो दो स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो क्या आंसर होगा इसका, क्या इसका आंसर बी होगा, वन ओनली, बताइए क्या आंसर होगा इसका। तो जिन जो लोग सोच रहे हैं कि इसका आंसर वन ओनली होगा वो बिल्कुल गलत हैं, और उनके लिए यहां पर सीख ये है, जो भी फर्स्ट टाइमर्स हैं, अगर आप यूपीएससी को फर्स्ट टाइम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, आपने अभी प्रिपरेशन नई नई शुरू की है, तो क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू पूछा गया है, तो कौन सी स्टेटमेंट्स नॉट ट्रू है, सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट नॉट ट्रू ट्रू है, तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, सी टू एंड थ्री ओनली, ठीक है, फंडा यहां पर क्लियर हो गया आपको। तो दोस्तों ये था हमारा 1-2-3 एग्रीमेंट। अब देखो मैं आपको यहां पर बहुत ज्यादा डेप्थ में लेकर नहीं गया हूं, मैंने आपको एक टॉपिक समझाया, एक कंसेप्ट समझाया कि 1-2-3 एग्रीमेंट है क्या। अगर आपको इतना पता है और आप इसको स्मार्टली अपने मेंस के आंसर्स में यूज करते हो और प्री का अगर क्वेश्चन आ गया तो आपको पता है कि 1-2-3 एग्रीमेंट क्या है, तो वो भी आप सॉल्व इजीली कर लोगे, ठीक है। तो ऐसे ही क्रिस्प और शॉर्ट वीडियोज आपको मिलेंगे, ठीक है, तो कंटिन्यूअसली आपको उनको मॉनिटर करना है, आपको मिलते रहेंगे, आपको अपने नोट्स बनाने हैं, आप नोट्स बनाइए, ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, नोट्स बनाने में भी बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इस इंफॉर्मेशन को अगर आप लिखने टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, तो उसमें भी आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो ऐसे ही टॉपिक्स आपको मिलते रहेंगे, शेड्यूल जरूर देख लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि अपडेट्स मिलते रहें, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस, बाय बाय।